हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा यादव। वेलकम टू रेखा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ गार्लिक बटेटो की सब्जी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और प्लीज़ मेरा वीडियो देखते रहिए और अपना प्यार देते रहिए। बेल का बटन आप ज़रूर दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उसे मैं थैंक यू बोलती हूँ, और जिसने नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और देखते हैं इसमें क्या लगता है, कैसे बनता है। ये मैंने बटाटे लिए हैं दो बड़े साइज़ का, उसको मैंने बॉईल कर लिया है और छिलका निकाल के कट कर लिया है स्लाइस में। और दो टमेटो लिया, उसे भी मैंने बॉईल करके स्लाइस में कट कर लिया है। और आधा टेबल स्पून मैंने राई लिया है छोटा, और 1/4 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है। 1.5 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, और ये मैंने नमक लिया है, टेस्ट के हिसाब से नमक लीजिए। और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, ग्रेवी के लिए पानी लेंगे। और ये मैंने 4 गार्लिक लिया है अखा, उसे मैंने छील के निकाल लिया है छोटे साइज़ का। और देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले मिक्सर चल लेंगे, और उसमें लहसुन, राई, काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक, टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। और इसको भी हम पीस लेंगे मिक्सर में। ये मैंने पीस लिया है, और इसमें हमें पानी नहीं डालना है, ऐसे ही पीसना है। तो ये मैंने पेस्ट बना लिया है, आगे देखते हैं। ये मैंने गैस को ऑन कर लिया है और गैस पे पैन रख लिया है। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून। ऑयल को हम गर्म होने देते थोड़ा। अभी हमारा ऑयल थोड़ा गर्म हो गया है, अब इसमें हम जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। और गैस को तो मैंने कम रखा है, और इसको हमें अच्छे से भूनना है। इसे अच्छे से सुनहरा होने तक हमें भूनना है। अच्छे से भून लेंगे हम। इसको अच्छे से सुनहरा होने तक हम भूनेंगे। ये मैंने अच्छे से भून लिया, सुनहरा हो गया है। तभी इसमें हम बटेटे डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। गैस को मैंने एकदम ही कम रखा है, तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें भी हम टमेटो डाल देंगे, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिलाएंगे। ये मैंने अच्छे से भून लिया है, मिक्स कर लिया है इन सबको। अभी हम इसमें पानी डालेंगे, आपको ग्रेवी जितना चाहिए आप उतना पानी डालिए। मैंने 1 कप डाला, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। और ये चावल के साथ में, चपाती के साथ में बहुत अच्छा लगता है खाने में, तो आप बनाइए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और इसको हम पकने देंगे गाढ़ा होने तक। इसको ढक्कन लगा के गाढ़ा होने तक हम पका लेंगे। अभी हम ढक्कन हटा के देख लेते हैं। अभी गैस को हम फास्ट कर देंगे, और ऐसे ही पका लेंगे इसको गाढ़ा होने तक। ये हमारी सब्जी पक गई है और गाढ़ी भी हो गई है। तो अभी गैस को हम ऑफ कर लेंगे, और इसको सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। ये मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है, और ये हमारे गार्लिक बटेटो की सब्जी बनके तैयार है। और आप इसे चावल चपाती के साथ में सर्व करिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और ये जितना दिखने में अच्छा है उतना खाने में भी टेस्टी होगा, तो आप बना के देखिए। और फिर से मिलते हैं हम नए रेसिपी में। बाय फ्रेंड्स।